इस वक्त जंगल का जो तापमान है ना वो बहुत ज्यादा है। भभक ऐसी उठ रही है कि हम पसीने से तरबतर हो रहे थे, लेकिन प्रण था कि आपको दिव्य संत के दर्शन कराने ही कराने हैं। जैसे ही हम कुटी के नजदीक पहुंचने लगे, नदी के कलकल की आवाज आने लगी, और ये नदी की आवाज वास्तव में कितना सुकून पहुंचाती है कि आप देखो मंदाकिनी नदी का ये दर्शन। सुनिए मंदाकिनी नदी की कलकल की ये ध्वनि। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फुल स्टॉप के हमारे इस मंच में। जंगल की हमारी यात्रा में हमें एक अजीबो गरीब स्वभाव वाले संत मिले। जब पहली बार मैं इनके करीब पहुंचा था तो इन्होंने बोलने से इनकार कर दिया था, तो हमें लगा कि हो सकता है कि तपस्वी संत है, नहीं बोलना चाह रहे। लेकिन दोबारा जब हम इनके पास पहुंचे तो महाराज जी जोर से खिलखिला करके हंसने लगे। इनकी इस प्रकार की हंसी से बड़ा कौतूहल मन में पैदा हुआ, आखिरकार एक तपस्वी संत ने इतनी जोर से हंसी क्यों हंसी। हमें समय मिला कि जरूर रुको, आज महाराज जी का कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। हम रुके, घंटों रुके, इंतजार किए, लेकिन महाराज जी ने फिर अपनी बातों पर हमें फंसा लिया। उन्होंने इसलिए फंसा लिया क्योंकि तुम ब्राह्मण हो तो जनेऊ क्यों नहीं पहनते हो, और ब्राह्मण होने वाले शख्स को जनेऊ पहनना चाहिए, तो ये अपना विषय हो गया। लेकिन सवाल तो बड़ा खड़ा हो गया जब इन्होंने करंट पैदा कर दिया अपने आकर्षण को लेकर के, अपने स्वभाव को लेकर के। बने रहिएगा, अंत तक सुनिएगा जरूर। जीव भोगों को ढूंढ रहा है, पर्याप्त मात्रा में भोग नहीं। जीव पर्याप्त मात्रा में भोग सीमित है, प्रत्येक जीव भोग खोज रहा है, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव। सही बात। उसकी हैबिट जैसी बन गई है कि मैं अच्छा अच्छा भोग और उसी के लिए वो नाना प्रकार के कर्म करता। सुना आपने कि बाल ब्रह्मचारी हैं और भगवान को नहीं मानते। भगवान को मतलब राम को नहीं मानते और कृष्ण को नहीं मानते। ये मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा शिव को मानते हैं, परमात्मा शिव का ही संदेश देते हैं और जंगल में मंगल करते हैं। महायज्ञ में इन्होंने हमें बुलाया था, जब इन्होंने बुलाया तो हम पहुंचे भी, और जो हमसे योगदान हो सकता था वो योगदान भी हमने दिया। लेकिन जब हमने विदा मांगी तो इन्होंने कहा कि हमने कौन तुमको बुलाया था, तो हम आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन संत की वाणी सुनकर के हमने इसको हंसी में उड़ा दिया, पर बात तो लग गई कि पहली बार बोलने से इनकार किया, दूसरी बार खिलखिला करके हंसे, तीसरी बार बोलने लगे हमने तुम्हें कब बुलाया था। तो वास्तव में आप सुनिए समझिए कि आखिरकार एक संत का स्वभाव इस प्रकार कैसे हो सकता है। इस प्रकार के तमाम वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम बताएंगे आपको संत समाज का स्वभाव, उनका ज्ञान और उनके बारे में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।